हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, विंटर सीजन आ गया है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है और अब हमें चाहिए अपने रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कोई रूम हीटर। तो अगर आप भी एक नया रूम हीटर लेने की सोच रहे हैं तो जनाब आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये बात तो आपको पता होगी कि मार्केट में तीन तरह के रूम हीटर मिलते हैं, रेडिएंट, कन्वेक्शन एंड ऑयल हीटिंग। इनमें से ऑयल हीटिंग वाला सबसे बेस्ट होता है, सेफ्टी में भी और हीटिंग में भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। कन्वेक्शन रूम हीटर में गर्म हवा के थ्रू आपके रूम को गर्म किया जाता है एंड रेडिएंट रूम हीटर में अलग अलग टाइप के हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं। ये हीटिंग एलिमेंट तीन तरह के हो सकते हैं, या तो क्वार्ट्ज, हैलोजन या फिर कार्बन वाला। इनमें से कार्बन एलिमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है, उसके बाद हैलोजन एंड क्वार्ट्ज की क्वालिटी सबसे पुअर मानी जाती है। मैं आज आपको तीन बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर के बारे में बताऊंगी। रेडिएंट रूम हीटर सबसे कम बिजली लेते हैं, साथ ही बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं। बट ये जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी ही जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं एंड बहुत बड़े रूम को ये गर्म नहीं कर सकते हैं, एक कोई पर्टिकुलर एरिया को ही ये गर्म कर पाएंगे। और आपको इसे थोड़ा सेफली यूज़ भी करना होगा। आप इसे किसी सोफे पर, बिस्तर पर या फिर किसी गद्दे वाली जगह पर ना रखें, किसी टेबल पर या फिर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आसपास में बर्निंग का चांस ना हो। सेफ्टी तो थोड़ा ज़रूरी है ही, और बच्चों से तो बिल्कुल दूर ही रखना चाहिए, चाहे वो रेडिएंट हो या फिर कन्वेक्शन हो। ऑयल हीटिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट वो ज़्यादा बजट का भी तो होता है। एक और बात, क्या आपको ये लगता है कि रेडिएंट रूम हीटर या किसी भी तरह का हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपके रूम के ऑक्सीजन को बर्न करता है? अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो भी हीटिंग जनरेट होती है उससे कभी भी किसी भी तरह का ऑक्सीजन लॉस या ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होता है। सिर्फ आग से जनरेट होने वाले हीट में ही ऑक्सीजन लॉस या फिर ऑक्सीजन बर्न होता है। तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि रेडिएंट रूम हीटर चलाने से आपके कमरे का ऑक्सीजन बर्न हो जाएगा। हाँ, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, बट एक उसका छोटा सा जुगाड़ है कि आप उस कमरे में किसी भी कटोरे में पानी भर कर रख दें तो आपकी ह्यूमिडिटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और वेंटिलेशन के लिए अगर आप थोड़ा जगह छोड़ते हैं तो वो और भी अच्छा है। फिलहाल ये तो आपके काम की बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। आप एक छोटा सा काम मेरा भी कर दीजिए यार, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं अब आपको बताती हूँ तीन बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर जो आप इस समय बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट सेफ्टी के साथ में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल योर टेक जोन में। तो शुरुआत करते हैं सबसे कम बजट वाले हीटर से और धीरे धीरे बजट हम बढ़ाते जाएंगे। आपका जो ही बजट हो आप अपने बजट के हिसाब से वो देख लीजिएगा एंड आपको जो भी ऑर्डर करना हो सभी के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली उसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से बाय करते हैं तो उससे थोड़ी सी मेरे भी चैनल की हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है बजाज RHX 2 रूम हीटर। तो इसमें आपको 800 वॉट का पीक पावर मिलता है एंड इसमें हैलोजन एलिमेंट का यूज़ किया गया है हीटिंग के लिए। इसे आप ड्यूअल हीटिंग मोड पर भी चला सकते हैं 400 वॉट एंड 800 वॉट के पावर पर। एक छोटे साइज के रूम के लिए ये एक परफेक्ट रूम हीटर साबित हो सकता है। ड्यूअल सेफ्टी सिस्टम के साथ ये आता है जिसमें आपको थर्मल फ्यूज एंड सेफ्टी स्विच मिलता है। इसकी बॉडी आपको फुल ABS मटेरियल के बनी हुई मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। ISI मार्क के साथ ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 2 साल की वारंटी के साथ में। इस समय ये आपको 1378 रुपये का मिलेगा। 100-200 रुपये रेट आगे पीछे होते रहता है, डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक से आप चेकआउट कर लीजिएगा, बट 1400 रुपये का प्राइस रेंज में इससे अच्छा आपको रेडिएंट रूम हीटर नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए जाकर चेकआउट करिए एंड आप डायरेक्टली वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है Havells Cozio रेडिएंट रूम हीटर। इसमें आपको 800 वॉट का पीक पावर दिया गया है जो कि लगभग 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सफिशियंट होगा। इस रूम हीटर में क्वार्ट्ज एलिमेंट का यूज किया गया है, 2 क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट इसमें दिए गए हैं और इसे भी आप 400 वॉट एंड 800 वॉट पर यूज कर सकते हैं। इसके फ्रंट साइड का ग्रिल काफी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी बहुत ही मस्त है। पूरी आपको ABS प्लास्टिक की बॉडी मटेरियल मिल जाती है जो कि टोटली शॉक प्रूफ है।
सेफ्टी के लिए इसमें आपको रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर के साथ ही बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का फ्रंट ग्रिल मिल जाता है, तो सेफ्टी आपको इसमें बढ़िया मिल जाती है। साथ ही एरो मीटर आपको कैरी हैंडल के साथ मिलता है, तो आप इजीली इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। थर्मोस्टेट के फीचर के साथ ये रूम हीटर भी आता है, साथ ही ISI मार्क भी है। 2 साल की वारंटी के साथ लगभग ये 2200 रुपए का इस समय आपको पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि रेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर ये आपको अंडर 2000 मिल जाता है तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से चेकआउट आप एक बार जरूर कीजिएगा। एंड लास्ट एंड सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इस लिस्ट का महाराजा व्हाइटलाइन की तरफ से लावा कार्बन एलिमेंट रूम हीटर। तो ये आपको 1200 वाट के पीक पावर के साथ में मिलता है। इसे आप 400 वाट, 800 वाट एंड 1200 वाट पर भी चला सकते हैं। इसमें हीटिंग आपको काफी फास्ट मिले, क्योंकि 3 हीटिंग एलिमेंट इसमें आपको मिलते हैं। इसमें कार्बन हीटिंग एलिमेंट का यूज किया गया है, जो कि रूम हीटर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। साथ ही शॉक प्रूफ फुल प्लास्टिक की बॉडी आपको मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है। साथ ही इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो भी काफी बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। कैरी हैंडल के साथ ये भी आपको मिलेगा, आप इजीली इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें आपको थर्मोस्टेट फीचर के साथ ISI मार्क भी मिलता है। जितने ही प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं सभी आपको ISI मार्क मिलेंगे। 2 साल की वारंटी के साथ में ये भी आता है, एंड इस समय आपको लगभग 2700 रुपए का मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है, जैसा कि आपको पहले से पता है। सो फ्रेंड्स, ये थे 3 बेस्ट रेडियन रूम हीटर। आप इनमें से कोई सा ही बाय कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो क्या सोच रहे हैं यार, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।